गाइज अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसमें रिया का नाम सामने आ गया है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे छुट्टी का दिन, तो सो मैं जस्ट अभी शावर करके आया, अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ ब्रेड ऑमलेट, और ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद गाइज मुझे जाना है बायोमेट्रिक कराने, बिकॉज मेरे बिल्डिंग में नियम हो गया है कि जो बायोमेट्रिक नहीं कराएगा वो बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकता है। सो बायोमेट्रिक कराना बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी ने कर लिए, उसके घर के सब लोगों ने बायोमेट्रिक कर लिए, बट मैं नहीं कर पाया हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। तो आज संडे है तो सोचा आप बायोमेट्रिक कर लिया जाए। सो गाइस चलिए बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद चलेंगे बायोमेट्रिक करने। आप लोग कहीं मत जाइएगा, साथ बने रहिए। सो गाइस जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। देखिए कितना ख़तरनाक मुंबई में बारिश हो रही है गाइस, मगर जो भी हो घर में रह के बहुत मज़ा आता है। आप अगर बाहर निकलते हो तो तकलीफ़ होती है बारिश में, बट मेरा तो छुट्टी आज है तो आज बस घर पे ही है। चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब देखिए गाइस, देखिए गाइस ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं। आपने इस तरह के कपड़े शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे हैंगर में टंगे हुए, बट मैं कपड़े यहाँ सुखा रहा हूँ बिकॉज बारिश है तो बाहर सुखा नहीं सकता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं कपड़े सुखाने के लिए देखिए हैंगर का यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से कहाँ रखा हूँ देखिए, क्या हालत है, बारिश में कैसे कपड़ा सुखाना पड़ रहा है देख लीजिए। सह लेंगे थोड़ा सा। गाइज देखिए मेरा ब्राउन ब्रेड ऑमलेट हो गया तैयार, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अब। गाइज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है कम्प्लीट, चलिए चलते हैं बायोमेट्रिक कर लेते हैं। दरवाज़ा कर लिया बंद। गाइज अब लिफ्ट के पास आ चुके हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आने ही वाली है। ये देखिए फाइनली लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं गाइज। ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया। गाइज अब लिफ्ट के बाहर आ चुके हैं, अब चलते सोसाइटी ऑफिस में। सारा डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और एग्रीमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने साथ कैरी कर लिए हैं। ये देखिए सामने सोसाइटी ऑफिस है। चलिए अब बायोमेट्रिक का सारा जो प्रोसीजर है वो पूरा कर लेते हैं। ये देखिए गाइज सारा फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया, सारा डॉक्यूमेंट्स इसको दे दिया ये बंदा, मेरा फ़ोटो जो है वो फॉर्म में अटैच कर रहा है। फाइनली गाइस बायोमेट्रिक का काम हो गया पूरा, अब चलते हैं फ्लैट पे। गाइस फाइनली बैक होम, बायोमेट्रिक्स हो गए, और बायोमेट्रिक्स करते वक्त मुझे ऐसा याद आ रहा था कि जैसे मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ। इतना सारा डिटेल्स उसमें भरना था और इतने सारे फॉर्म थे सबको फिलअप करना था, माई गॉड जैसे लगे। क्या बोलूँ मैं, चलिए फाइनली बायोमेट्रिक्स हो गया, अब सिर्फ बिल्डिंग के अंदर आने के लिए ऐसे वन टैप और गेट ओपन। ठीक है गाइस चलिए हो गया टाइम लंच करने का, और फिर लंच करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। गाइस आज संडे है तो हमारा जो लंच है वो काफ़ी स्पेशल है। देखिए मटन करी बना है, देख के काफ़ी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है, चलिए लंच कर लेते हैं। हे गाइस वेलकम बैक, शाम हो गई तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो चाय मेरा दिखाता हूँ। देखिए बन के रेडी है और टीवी में देखते हैं क्या चल रहा है। सुशांत सिंह का न्यूज़ फिर से आने लगा गाइस, देखिए चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे हम, पहले चाय पी लेते हैं और दिखाते हैं आपको मेरा चाय। देखिए हो गया तैयार, देखिए गाइस चाय मेरा है तैयार, सो चलिए चाय पी लेते हैं और मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चाय काफ़ी अच्छा बना है, और चाय पीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थोड़ा बात करेंगे, न्यूज़ में भी वही दिखा रहा है। रिया का नाम है, उनके भाई शौविक का, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा का नाम है। देखिए और क्या कुछ आरोप है रिया पर चार्जशीट। गाइज आप लोगों को क्या लगता है सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, उसमें रिया का नाम आ गया है। महाराष्ट्र का सरकार भी चेंज हो चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला और
लास्ट में कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा गाइज। वो कहते हैं ना, एक भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि उसको न्याय कब मिलती है। एनसीबी ने अपने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब इंतजार है सीबीआई का। जब सीबीआई अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा गाइस, तो पता चलेगा कि इस केस का अंजाम क्या निकल के आया और कोई दोषी है या नहीं है, वो पता चलेगा। बट मुझे जैसा लगता है कि इसका अंजाम ज़रूर आएगा और दोषी जो भी है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखते हैं वो दिन कब आता है, अब उसी का इंतज़ार है गाइस। सो जितना भी सोचते हैं, जब भी सोचते हैं सुशांत के बारे में, तकलीफ़ होती है बहुत और यकीन नहीं होता है यार कि सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है। उसके परिवार को देखते हैं, उसके पिता को देखते हैं, उसके बहनों को देखते हैं, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। और इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड एक्टर हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी उसको मिस करते हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एक्टर के साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला, और सपने उसके थे काफ़ी बड़े थे और उस अपने ड्रीम्स को वो पेपर पे लिखता था। सो इतना पॉजिटिव सोचने वाला इंसान अगर हमारे बीच नहीं है तो सोच के तकलीफ़ होता है। सुशांत के बारे में जब भी सोचते हैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज बिलीव नहीं होता कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। चलिए ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट में बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।